मैं मुद्दबाना गुजारिश करता हूँ शहर अहले बैत अली जनाब नय्यर मजीदी साहब से तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में अपना मंजूम नजाने की खिदमत पेश करूँ। के खातून हश्र बिनते पैम्बर हैं फ़ातिमा, खातून हश्र बिनते पैम्बर हैं फ़ातिमा, सारी नबूवतों का मुकद्दर है फ़ातिमा। खातून हश्र बिनते पैम्बर हैं फ़ातिमा। अब तीसरा और चौथा मिसरा खास तौर से कि खातून हश्र बिनते पैगंबर है फातिमा, सारी नबूवतों का मुकद्दर है फातिमा, मैं मौजे है जिसकी मरियम और सारा सी बीबियां, ऐसी तहारतों का समंदर है फातिमा। मौजे है जिसकी मरियम और सारा सी बीबियां, मौजे है जिसकी मरियम और सारा सी बीबियां, ऐसी तहारतों का समंदर है फातिमा। मौजे है जिसकी मरियम और सारा सी बीबियां, ऐसी तहारतों का समंदर है फातिमा, ऐसी तहारतों का समंदर है फातिमा। और मुलादा फरमाए के राकिबे दोशे पैगंबर की सना हो जाए, राकिबे दोशे पैगंबर की सना हो जाए, आइए बैठिए कुछ जिक्र खुदा हो जाए। राकिबे दोशे पैगंबर की सना हो जाए, राकिबे दोशे पैगंबर की सना हो जाए, आइए बैठिए कुछ जिक्र खुदा हो जाए। शेर मुलादा फरमाए कि आइए बैठिए कुछ जिक्र खुदा हो जाए, वह हाथ फैलाना ही पड़ते हैं दरे सरवर पर, कि हाथ फैलाना ही पड़ते हैं दरे सरवर पर, वह लाख पैरों पर कोई अपने खड़ा हो जाए। हाथ फैलाना ही पड़ते हैं दरे सरवर पर, हाथ फैलाना ही पड़ते हैं दरे सरवर पर, लाख पैरों पर कोई अपने खड़ा हो जाए। ये दो शेर कताबंद है कि मुर्दा जिंदा हो तो डूबा हुआ सूरज उभरे, मुर्दा जिंदा हो तो डूबा हुआ सूरज उभरे, हुक्म जो दे दे शहे अर्जो समा हो जाए। मुर्दा जिंदा हो तो डूबा हुआ सूरज उभरे, हुक्म जो दे दे शहे अर्जो समा हो जाए, मैं फिर भी मौला मेरा सजदे में चला जाता है, दूसरा और कोई हो तो खुदा हो जाए। फिर भी मौला मेरा सजदे में चला जाता है, मुर्दा जिंदा हो तो डूबा हुआ सूरज उभरे, हुक्म जो दे दे शहे अर्जो समा हो जाए, मैं फिर भी मौला मेरा सजदे में चला जाता है, दूसरा और कोई हो तो खुदा हो जाए। और एक वक्त में 40 घरों में जो हो मौजूद, एक वक्त में 40 घरों में जो हो मौजूद, उस जात ने अगर सजदा किया है तो खुदा है। एक वक्त में 40 घरों में जो हो मौजूद, उस जात ने अगर सजदा किया है तो खुदा है। मैं बेकार की पैसों को नाउनवान बनाओ, जब कह दिया हैदर ने खुदा है तो खुदा है। अगर सजदा किया है तो खुदा है, उस जात ने अगर सजदा किया है तो खुदा है। बेकार की बहसों को नाउनवान बनाओ, मैं जब कह दिया हैदर ने खुदा है तो खुदा है, जब कह दिया हैदर ने खुदा है तो खुदा है। और जिसे भी करना है मुझसे अली की बात करे, कि जिसे भी करना है मुझसे अली की बात करे, यही मिजाज है अपना, इसी का आदि हूँ। जिसे भी करना है मुझसे अली की बात करे, जिसे भी करना है मुझसे अली की बात करे, यही मिजाज है अपना, इसी का आदि हूँ। और अली के हक का बयां है अगर फसाद की जड़, तो फिर मैं शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ।
مجھ سے علی کی بات کریں، یہی مزاج ہے اپنا، اسی کا عادی ہوں، علی کے حق کا بیان ہے اگر فساد کی جڑ تو پھر میں شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں۔ قبلہ کی موجودگی میں قطع کر رہا ہوں، فرمائش کی مزارمائے ولایت علی اس کے حوالے سے کہ حکم معصوم کی تعمیل ہے عین واجب، حکم معصوم کی تعمیل ہے عین واجب، اپنے بچوں کو مسلسل یہ ہدایت دیجئے، حکم معصوم کی تعمیل ہے عین واجب، اپنے بچوں کو مسلسل یہ ہدایت دیجئے، اور بس اذانوں میں گواہی نہیں کافی نیر، تشہد میں بھی ولایت کی شہادت دیجئے۔ تشریف فرما ہے، یہ بارہ فقہی مسئلہ ہے کہ سفر میں نماز قصر ہے تو، لیکن امام حسین اسلام کے حرم میں مکمل پڑھی جاتی ہے، اب وہ کیوں مکمل پڑھی جاتی ہے یہ بتانے کی کوشش کی ہے، ملاحظہ فرما لیں۔ بس یہ آخری قطعہ، بس یہ آخری قطعہ ملاحظہ فرما لیں کہ یہ بھی غلط نہیں ہے، یہ بھی ہے سچ، مسافر راہ نجات ہیں، کہ یہ بھی ہے سچ مسافر راہ نجات ہیں، یہ بھی غلط نہیں ہے کہ گھر میں نہیں ہیں ہم، کیا بات ہے، یہ بھی ہے سچ مسافر راہ نجات ہیں، یہ بھی ہے سچ مسافر راہ نجات ہیں، اور یہ بھی غلط نہیں ہے کہ گھر میں نہیں ہیں ہم، اور شیخ حرم میں قصر پڑھے کس لیے نماز، منزل پا گئے ہیں سفر میں نہیں ہیں۔